अस्सलाम वालेकुम गाइस। गाइस आज आपको एक नया डिज़ाइन दिखाएंगे। आपने पहले नीचे ज़मीन बना लेनी है और उसके बाद इसको एनामल में दीवार को तैयार कर लेना है एल पेंट के अंदर, वाइट एल पेंट के अंदर आपने तैयार करके उसके बाद आपने इसके ऊपर ब्लू कलर जो है वो अप्लाई करना है और ब्लू कलर नीट मारना है इसको। तो उसके बाद में कपड़े वाले रूले के साथ इसका डिज़ाइन निकालेंगे और आपको दिखाएंगे। ये रूलर है तो ऐसे आपने मारते जाना है और उसके बाद में आपने ऐसे बड़ी तरतीब से इसके ऊपर ये रूला घुमाते जाना है तो ये अंदर से इसका डिज़ाइन निकलता आएगा, वाइट टू टून हो जाएगा ये डबल कलर में। तो ये आप देख रहे हैं ऐसे मुख्तलिफ किस्म से, यानी पहले बिल्कुल स्ट्रेट सीधा, फिर लेफ्ट, फिर राइट, ताकि फिर इसका डिज़ाइन सेम एक जैसा निकलता है। तो गाइस आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ये भी द्वार जब गाइस तैयार होगी तो बहुत अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है। यानी ये कंट्रास्ट होता है, आप तीन द्वारें लाइट कर लें और बीच में एक द्वार जो है डिज़ाइनिंग कर दें तो वो ज़रा खूबसूरत लगती है, ख़ास करके चिल्ड्रन के रूम में, बच्चों के रूम में जो है एक एक द्वार ऐसे डिज़ाइनिंग हो जाए तो खूबसूरत लगती है। तो ये भाई हमारे लगे हुए हैं फुल मेहनत में, आप इनकी कला चेक करें। तो ये गाइस जो ऊपर पेंट हो रहा है ब्लू कलर का, ये आपने ज़्यादा सामान टाइट नहीं रखना है, थोड़ा इसको नरम रखना है। तो ये भी एल पेंट ही है, इसको आप थोड़ा नरम रखेंगे तो फिर डिज़ाइन थोड़ा अच्छे से बाहर आता है। तो बस द्वार हमारी अभी इंशाल्लाह तैयार होने वाली है, जब फुल तैयार होगी उसके बाद आप इसकी फाइनल तक देखना, बहुत प्यारी लगती है। आप सोच सकते हैं इनको मास्टर टेप से आप कवर कर लें ताकि बोर्ड जो है ख़राब नहीं होता है।
करना है इसमें लगा के। तो ये गाइस अभी हमारी पूरी द्वार क्लियर हो गई और अभी इसकी फाइनल लुक की तरफ जाते हैं, आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखें, बहुत प्यारी लग रही है, ये इसकी फाइनल लुक है।